सेक्स विषय के बारे में काफी लोगों की गलत फहमियां हैं, वो मैं दूर करना चाहता हूं ये वीडियो के माध्यम से। इसमें ही मैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस है, मतलब बार बार पूछने जाने वाले सवाल, उसके भी मैं जवाब दूंगा। लिंग का साइज कम है, ऐसे बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि लिंग का साइज छोटा है, कम है, पतला है, दुबला है। तो ये आपको ख्याल रखना है कि लिंग का साइज 1 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। 1.25 सेंटीमीटर से कम होता है, 1 सेंटीमीटर से भी कम हो गया तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है। 1 सेंटीमीटर से कम है तो फिर बाकी भी आपको प्रॉब्लम साथ में होंगे, जैसे दाढ़ी नहीं है, मूछ नहीं है, कांख में बाल नहीं है, जांग में बाल नहीं है, तो ऐसे काफ़ी सारे फिर प्रॉब्लम उसके साथ साथ हो सकते हैं, क्योंकि फिर आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक करना पड़ेगा। तो लिंग का साइज 1 सेंटीमीटर से कम नहीं, गोलाई जो है वो गोलाई भी 1 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर लोगों का रहता है कि भाई रात में सपने में धातु जाता है तो उसके लिए क्या करें। सपने में धातु जाता है ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, और सपने में धातु गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? धातु जो है वो तैयार होते रहता है। शायद आपको सपने सेक्स के पड़े होंगे, तो सेक्स के सपनों में इरेक्शन आता है, इरेक्शन आके फिर धातु का स्खलन हो जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। धातु आता है तो आने दो, कोई प्रॉब्लम क्या है उसमें? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, जितना जाता है उतना जाने दो, क्योंकि धातु का कभी स्टॉक होता नहीं है कि रात में निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा स्टॉक तो प्रॉब्लम होगा, तो ऐसा कभी होते नहीं रहता है। इसकी गलतफहमियाँ रहती है कि भाई हस्तमैथुन की बहुत बड़ी आदत है, बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करता हूँ, तो हस्तमैथुन करना भी एकदम बहुत नॉर्मल है। हस्तमैथुन से ना लिंग टेढ़ा होता है, ना पतला होता है, ना दुबला होता है, ना कमज़ोर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हस्तमैथुन एक नॉर्मल प्रक्रिया है। कितनी भी बार आप हस्तमैथुन कर सकते हैं, रोज़ एक बार भी कर सकते हैं, रोज़ दो बार भी कर सकते हैं, जितनी आपकी भूख है उतना आप हस्तमैथुन कर सकते हैं। हस्तमैथुन से लैंगिक दुर्बलता आती नहीं है, लैंगिक कमजोरी आती नहीं है, लिंग छोटा होता नहीं है, कुछ भी हस्तमैथुन से नुकसान होता नहीं है। मगर यदि हस्तमैथुन आप बार बार करते हो और इच्छा नहीं होने के बावजूद भी हस्तमैथुन करना पड़ता है, ऐसे बहुत लोग हैं, इच्छा नहीं है, एंजॉय नहीं करते हैं, तभी दिन में 3-3, 4-4 बार करते हैं और करना ही पड़ता है, तो फिर वो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोगों को इतने बार हस्तमैथुन करते तो जख्म हो जाती है, और जख्म से फिर उनको प्रॉब्लम भी होता है, तो वो फिर हस्तमैथुन का OCD है, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर फॉर मास्टरबेशन, तो उसकी ट्रीटमेंट करना जरूरी है। लैट्रिन करने के समय या पेशाब करने के समय धातु जाता है, ये बहुत लोगों का रहता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। वो पेट के ऊपर प्रेशर आता है, जोर से यदि आप पेशाब करते हो, जोर दे के आप लैट्रिन को जाते हो, तो धातु निकल सकता है, वो प्रेशर से होता है, उसका भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर पीरियड्स के कितने दिन बाद में सेक्स करना चाहिए ताकि बच्चा हो जाएगा। पीरियड्स यदि नॉर्मल है, 28 दिन की साइकिल है, तो 28 दिन की साइकिल में समझो मेंस्ट्रुएशन का मतलब पीरियड्स का मतलब मासिक धर्म का पहला दिन आप पकड़ते हैं, फर्स्ट डे, और फर्स्ट डे से फिर 10वें दिन काउंट करना है, सो 10वें से 17वें दिन 10th to 17th day जो है, ये दिनों में यदि आप सेक्स करते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी मतलब गर्भ रहने का चांस है, अदरवाइज नहीं है, अदरवाइज कम होता है, नहीं ऐसा नहीं है, कम होता है। और इरेगुलर मेंसेस होते हैं तो इतना कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते हैं, मगर ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस जो है वो 10 to 17, 10 से 17 ये इसमें होते रहते हैं। मासिक धर्म चालू है या मेंस्ट्रुएशन चालू है, उसमें सेक्स करना कि नहीं करना आपकी मर्जी है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, खराबा नहीं है, मगर यूजुअली स्त्री की इच्छा नहीं रहती है MC जब चालू रहती है तो। मगर यदि आपकी इच्छा है, दोनों की इच्छा है, तो निरोध लगा के, कंडोम लगा के आप सेक्स कर सकते हैं, उसमें गलत कुछ भी है नहीं। हाइमेन जो है मतलब योनि द्वार पटल या पर्दा, तो वो फटना चाहिए कि नहीं फटना चाहिए, उसके बारे में लोगों की गलतफहमी है। यदि वो योनि द्वार पटल पर्दा फटा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। लोग इसका मतलब निकालते हैं कि योनि द्वार पटल मतलब हाइमेन जो है, पर्दा जो फटा हुआ है, इसका मतलब पहले सेक्स ये लड़की का हुआ था, ऐसा नहीं है। वो पैर ऐसे फाक गए, ऐसे लंबे, ऐसे दूर हो गए तो पर्दा फट सकता है, साइकिलिंग करने समय पर्दा फट सकता है, तो पर्दा फट गया इसका मतलब वो कुंवारी नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर नेक्स्ट, कुछ लोगों को लगता है कि भाई सुहाग रात जो रहती है उस समय भाई ब्लीडिंग होना चाहिए, ब्लीडिंग हुआ तो ही कुंवारी है वो, अदरवाइज कुंवारी नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लीडिंग होगा नहीं होगा ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं, तो ब्लीडिंग होगा तभी ठीक है, नहीं हुआ तभी ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो वही गलतफहमी है, वो भी दूर होना जरूरी है। फिर लोगों को लगता है कि सेक्स टॉनिक से फ़ायदा नहीं हुआ है,
तो सिक्स टॉनिक से फ़ायदा नहीं हो रहा है, गोलियां जो फ़ायदा नहीं हो रहा है गोलियों से वगैरह, तो आपको बदलना पड़ेगी गोली और आपको साइकोथेरेपी हिप्नोथेरेपी ऐसा इलाज करना पड़ेगा। फिर लोग महंगी महंगी दवाई लेते हैं, सांड का तेल, बैल का तेल, घोड़े का तेल ऐसे बिके जाता है जिसके ऊपर ऐसे चित्र रहते हैं, घोड़े की दवा, फिर बकरे की दवा, बकरे की कैप्सूल ऐसे आते रहते, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई प्रूवन नहीं है वो टेक्निक है टैबलेट्स कि भाई वो लिए तो पक्का फ़ायदा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़ायदा हो सकता है, होगा, ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं। ऐसा कोई तेल लगा के, क्या कोई भी तेल लगाए मालिश किया तो हो सकता है कि मसाज करने से इरेक्शन आता ही है, नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर बड़ी बड़ी टैबलेट्स भी लेके, है ना, बड़ी टैबलेट्स है, घोड़े का चित्र है, बहुत महंगी महंगी टैबलेट्स है, तो उससे भी ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेक्स होगा ही। सेक्स टैबलेट से साइड इफ़ेक्ट्स होते रहते हैं, और यदि साइड इफ़ेक्ट आपको हो रहे हैं, मतलब आँख के ऊपर यदि इफ़ेक्ट हो रहा है या ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, तो सेक्स टैबलेट जो सिलडेनाफिल, टाडालाफिल, वर्दानाफिल है वो नहीं लेना चाहिए। मगर बाकी जो साइड इफ़ेक्ट है, दर्द करना, एसिडिटी होना, सर दर्द होना, बदन में दर्द होना, ऐसे साइड इफ़ेक्ट हो गए तो चलता है, उसमें कोई ज़्यादा ख्याल देने की ज़रूरत है नहीं। होमोसेक्सुअलिटी का इलाज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, यदि वो व्यक्ति चाहता है तो। यदि वो व्यक्ति चाहता ही नहीं है, ज़बरदस्ती कोई होमोसेक्सुअलिटी का मतलब समलिंगी का इलाज होता नहीं है। मगर कोई समलिंगी आता है, बोलता है कि मुझे मेरा पैटर्न बदलने का है, मुझे समलिंगी आकर्षण है, मगर भी मुझे लड़की के साथ शादी करना है, तो वो संभव है, और वो भी उसका इलाज हम हिप्नोथेरेपी से करते रहते हैं। फिर लोग ये बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यदि ब्रह्मचर्य का पालन किया तो आपके पास में बहुत ताकत आएंगी और आप बहुत साल जियोगे, तो ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली ऐसा कुछ प्रूव नहीं है कि ब्रह्मचर्य का पालन किया तो आप बहुत ज़्यादा साल जियेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रह्मचर्य यही जीवन है और वीर्यनाश यही मृत्यु है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ साइंटिफिक इसको बेसिस है नहीं। और इसी के लिए हम बोलते हैं कि भाई हस्तमैथुन में गया हुआ वीर्य, सपने में गया हुआ वीर्य, लेटरिन के समय गया हुआ वीर्य, ये सभी कोई भी वीर्य बाहर जाने दो, उससे कुछ नुकसान होने वाला है नहीं, उससे कोई कमजोरी नहीं आती है, उससे कोई लिंग टेढ़ा होता नहीं है। यूजुअली लिंग जो है वो बाएं तरफ टेढ़ा रहता है, थोड़ा सा ऐसा झुका रहता है, वो लिंग आप कैसा रखते हैं उसके ऊपर है, किस तरह से रखते हैं, किस तरह से अंडर पैंट पहनते हैं, फुल पैंट पहनते हैं, उसके ऊपर है। यूजुअली लोगों की हैबिट रहती है कि लेफ्ट तरफ रखना है लिंग, तो उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि वो ऐसा लेफ्ट तरफ झुका हुआ रह सकता है, लिंग ऐसा एकदम 90 डिग्री में एकदम स्ट्रेट ऐसा नहीं रहता है, और उससे थोड़ा सा टेढ़ा है तो उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं, उससे सेक्स हो जाता है। मगर एकदम ही टेढ़ा है, एकदम ही मतलब ऐसा हो चुका है, एकदम बेंड है, तो इसका मतलब इसको फाइब्रोसिस हो चुका है, फाइब्रोसिस है, तो उसको ऑपरेशन करके उसको निकालना पड़ेगा, वो जो टेढ़ापन है वो निकालना पड़ेगा। फिर दूसरा है कि कुछ लोगों को सुन्नता करना पड़ता है, सुन्नता की जरूरत है, क्योंकि उनका उनके लिंग के ऊपर बहुत लंबे मतलब बाहरी हिस्से तक स्किन आती है, और स्किन पीछे जाती नहीं है, तो जब स्किन पीछे जाती नहीं है, वो ज़बरदस्ती खींचना पड़ता है, पीछे लेना पड़ता है, तो नेचुरली दर्द होगा, और समझो वो पीछे गई जोर से तो वहाँ अटक जाएंगी, वहाँ अटक गई तो फिर आगे आएंगी नहीं, अटक गई तो वहाँ से फिर सूजन हो जाएंगी पेनिस को। तो इसलिए ये जो बहुत ज़्यादा है चमड़ी और फोर्स से पीछे करना पड़ रहा है तो करो मत, सुनता कर लो, खतना कर लो, और वो ऑपरेशन करो, उससे नुकसान होता नहीं है। फिर ज़्यादा सेक्स करने से नुकसान होता है क्या? बिल्कुल नहीं, ज़्यादा सेक्स करने से नुकसान होता नहीं है, उसमें आप कितना भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप ज़्यादा सेक्स करेंगे मतलब क्या है, रोज़ एक बार, रोज़ दो बार, रोज़ चार बार, कितना भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ऐसे कुछ स्टडीज में बोला गया है कि कम से कम हफ्ते में एक बार तो भी करना चाहिए, क्योंकि यूज़ इट और लूज़ इट, मतलब वापरो या नहीं तो वो काम से निकल जाएगा, इसलिए उसको वापरना जरूरी है, यूज़ इट और लूज़ इट। यूज़ नहीं किया तो वो सिस्टम धीरे 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 काम करना बंद करेगी। फिर सवाल आता है कि मेनोपॉज मतलब महामारी बंद होगी उसके बाद में शादी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, महामारी बंद होगी तो बच्चे होंगे नहीं, आप सेक्स कर सकते हैं। महामारी के बाद में सेक्स कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सेक्स कर सकते हैं, लेडी को एन्जॉयमेंट भी आता है, ऐसा नहीं कि एन्जॉयमेंट नहीं आता है। पुरुष का तो ऐसा कोई महामारी जाती नहीं है, मगर पुरुष का एंड्रोपॉज हो सकता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम हो सकते हैं, उससे थोड़ा इच्छा कम हो जाती है, तो कभी भी मतलब ऐसा कोई एज बार नहीं है, और महामारी ख़त्म हो गई बंद हो गई तभी भी सेक्स कर सकते हैं।
सिर्फ बच्चे नहीं होंगे, महामारी के बाद में सेक्स की इच्छा होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल होता है कि भाई विधवा है और विधवा लेडी है, उसके साथ में शादी करना है क्या, मतलब क्यों नहीं करना है, सवाल है। विधवा है तो क्या हो गया, बाकी इसका यदि सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, या उसका डिवोर्स भी हो चुका है समझो, विधवा भी है तो क्या प्रॉब्लम है, उसमें शादी कर सकते हैं। आपको डिवोर्स हो चुका है पहले तो देखना पड़ेगा कि डिवोर्स क्यों हुआ है, प्रॉब्लम किस में था, कारण क्या है, नहीं तो फिर आप शादी करेंगे पहले डिवोर्स हो चुका है तो आपके साथ में भी झगड़े झंझट हो सकते हैं और डिवोर्स की नौबत आएंगी। हाँ, विधवा है तो फिर देखना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली उसकी इच्छा है क्या नहीं है, क्या उसके लिए कोई एज बार नहीं है। कुछ लोगों का अभी मेरे पास में यह था कि भाई लिंग बदल किया हुआ है उसके साथ में शादी करना क्या। अभी देखो लिंग बदल किया हुआ है, अब लिंग बदल करके वो अभी आदमी बन गया, मतलब वो लड़की है उसने लिंग बदल करके वो लड़का बन गया, अभी उसका एक लड़की के साथ में प्यार हो गया, अभी बोलते हैं हम शादी करना है तो करना क्या। देखिए ऐसा है कि ये जो लड़की का लड़का बना हुआ है इसको तो ना बच्चे होने वाले, हाँ सेक्स कर सकते हैं, तो फिर वो समझ के करो कि भाई बच्चा होने वाला नहीं है, सेक्स में उतना आनंद मिलेगा नहीं मालूम नहीं है। और फिर मैं बोलता हूँ कि भाई आपके पास में कोई दूसरा पर्याय नहीं क्या, ये क्या आखिरी पर्याय है क्या, आपको यदि चॉइस है तो क्यों ऐसा कर रहे, वो भी एक सवाल आता है। मगर प्यार हो गया तो प्यार अंधा होता है ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो बोलो आए थे पूछने के लिए, मैंने ठीक है हरकत नहीं करो, शादी करना है आपको तो मैं क्या बताऊँ। फिर जल्दी गिर जाता है, उसके लिए लोग पूछते हैं कि जल्दी गिरने से क्या होता है, जल्दी एक मिनट से पहले यदि गिर जाता है तो वो शीघ्र पतन है। नॉर्मल लोगों का जो है वो 2 मिनट से लेके 15 मिनट तक चलता है, एवरेज जो है वो 5 मिनट 40 सेकंड है पतन का, वीर्य पतन का टाइम। अब आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं वीर्य पतन का टाइम, और आप यदि बढ़ाएंगे तो वो 15 मिनट तक जा सकता है, आधे घंटे तक जा सकता है। तो उसके तरीके हैं वो मेरे अलग वीडियोज़ में दिया हुआ है। फिर सवाल आता है कि भाई नपुंसकत्व इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, दवाई से बिल्कुल दवाई से हो सकता है, बिना दवाई से यस, बिना दवाई लिए तो भी हो सकता है। मगर यदि नर्व्स का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, दवाई खा रहे हैं ऐसे, इसमें सिर्फ साइकोथेरेपी करके शायद होगा नहीं, आपको दवाई खाने की जरूरत पड़ेगी। वर्दनाफिल, एवेनाफिल, टाडालाफिल, सिल्डेनाफिल ऐसी दवाई आप ले रहे तो अच्छा है। उम्र बढ़ने के बाद में इच्छा कम होती है क्या, अगला सवाल। यस, उम्र बढ़ने के बाद में धीरे 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 इच्छा कम कम होती जाती है, नेचुरल है। स्ट्रेस बहुत बढ़ता है, बिजनेस का स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, उम्र बढ़ती है तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, एजुकेशन का, बच्चों के, बिजनेस का ऐसा स्ट्रेस बढ़ते जाता है, उम्र के हिसाब से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाती है, तो उसमें कम यदि इच्छा होगी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट, मॉर्निंग इरेक्शन आना जरूरी है क्या, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मॉर्निंग इरेक्शन आना जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी नहीं है, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम है नहीं आता है तो। मगर आता है मॉर्निंग इरेक्शन तो इसका मतलब पक्का है कि आपको ये प्रॉब्लम कोई भी हो, आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है बाकी दिन में, या जब सेक्स करते हो तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, क्योंकि नींद में आप आधे अधूरे रहते हैं मॉर्निंग में, और आधे आधे अधूरे इसमें नाइट में सपने में इरेक्शन होता है, या सवेरे उठते हैं सोए उठते हैं आधा अधूरा है और उसमें फिर आपको इरेक्शन आ रहा है, इसका मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम हो साइकोलॉजिकल है। तो ये ऐसे काफ़ी सारे सवाल है। ये दवाई जो हम देते हैं सेक्स के लिए, ये दवाई चालू रहने के समय बाकी दवाई ले सकते क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी दवाई लिया तो क्या प्रॉब्लम होगा, समझो आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, बाकी और कोई भी गोली चलती है तो ये दवाई आप ले सकते हैं। आपको यदि ज़्यादा बहुत तकलीफ होगी तो क्या करना, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है ये सेक्स की गोलियाँ खाने से, तो उसका उतार जो है मतलब साइड इफ़ेक्ट्स हटाने के लिए, तो वो गोली आप खा सकते हैं जिससे आपको तकलीफ होगी नहीं। गोली खाने से पक्का ठीक होता है कि गारंटी है क्या, देखो गोली खाने से गारंटी बोले तो है बोले तो नहीं है। क्या है कि गोली आप खा रहे हैं, साइकोलॉजी का भी इलाज कर रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजी पहले ठीक होना चाहिए तब गोली का असर होता है। अब दोनों भी आप खाएंगे तो डेफिनेटली आपका इलाज होगा, मगर साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो गोली खा के भी फायदा क्या है। यदि आपके साइकोलॉजी में किसी के भरा हुआ है कि नहीं सेक्स करना अच्छा नहीं है, सेक्स करना ठीक नहीं है, पाप है, ज़्यादा करना नहीं चाहिए, या बचपन में बलात्कार हो चुका है तो सेक्स के बारे में घृणा है, तो कितनी भी गोलियाँ खाओ कुछ होने वाला है नहीं, वो दिमाग की घृणा जो है, दिमाग में जो विचार निकालने पड़ेंगे। तो ऐसे सब पूरी मैंने अभी आपको बता दिया सभी गलतफहमियाँ। आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।
गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयर कर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।